अब मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन एंड हेड श्रमण विद्या संकाय संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से निवेदन करना चाहूंगा। और संभवतः कुछ देर पहले शायद वो गाड़ी में चल रहे थे। अब शायद जी जी आ गया हूँ, घर पर आ गया हूँ। अच्छा आ गया, गाड़ी आपकी दिखाई पड़ रही थी। तो आपने वो बौद्ध अध्यात्म सीरीज पर बहुत सुंदर चर्चा, बौद्ध दर्शन पर, बौद्ध धर्म पर जारी है और उनकी संख्या बहुत अधिक है, 50 होंगी, 50-51 सीरीज में आए होंगे वो, तो बहुत सुंदर। और आज इसका विषय जो है लाइफ एंड विजन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पर, तो बौद्ध धर्म से उसका क्या संबंध है, कैसा विजन है, शायद इसी से वो अपनी बात करना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जी। जी सर, धन्यवाद। अनंत करुणा पयंग तथागत मनुत्रंग वंदित्वा शीर्षा बुद्धंग धम्मं साधु गणं पितरं। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से यह जो धम्म सभा आयोजित हो रहा है, उस धम्म सभा में जितने भी जुड़े हुए हमारे अतिथिगण हैं, आयोजक हैं, पूज्य भंते जी हैं और जितने भी लोग हैं, उन सबों का मैं सर्वप्रथम नमन और वंदन करता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो विषय रखा गया है, बहुत कुछ है, सोशल रिफॉर्म के रूप में बाबा साहब ने क्या क्या सामाजिक सुधार किए, उस पर विस्तार से हमारे प्रवक्ता प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार जी ने चर्चा किया है। हम उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहेंगे। अंबेडकर जी की जीवनी, हालांकि हमें भी वही बोलना था, लेकिन अंबेडकर जी की जीवनी पर जैसा कि संयोजक प्रोफेसर कैलाश प्रसाद जी ने उनसे निवेदन किया था, तो मैं चाहता हूं कि उनके निवेदन को मैं पूरा कर दूं। आज से 132 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर, इस भारतीय संस्कृति में एक ऐसा सूरज का उदय होता है जो पूरे विश्व को आलोकित करता है। 14 अप्रैल 1891 का वह दिन है जब मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में सैनिक छावनी महू में रामजी राव के घर, जो अंग्रेजी सेना में सूबेदार मेजर थे, एक बालक का अभ्युदय होता है, या कहें कि अवतरण होता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, महापुरुष जन्म नहीं लेता है, वो अवतरण लेता है। भीमा माई के कोख से वो पैदा होते, बालक का नाम भीम रखा जाता है। हम सब लोग जानते हैं, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। 4 वर्णों में समाज विभक्त था, उसके अलावे अछूत थे, बहिष्कृत थे, वे अलग से थे। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने के योग्य होता है, स्कूल भेजने की तैयारी चलती है, बच्चा को स्कूल भेजा जाता है। पहला स्कूल तो लेता ही नहीं है, दूसरे स्कूल में किस तरह एडमिशन होता है। जब स्कूल बच्चा जाता है, उसके पूर्व अगर देखते हैं
तो उनकी माँ की 5 वर्ष का बच्चा छोटा है, माँ की मृत्यु हो जाती है। जो करुणा की जो छाया है वो उनके ऊपर से उठ जाती है। बच्चा पर क्या असर पड़ता होगा, उस कोमल मस्तिष्क पर क्या असर पड़ा होगा, वो हम लोग समझ सकते हैं। अब बच्चा को स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, जाति पूछा जाता है। ब्राह्मण स्कूल था, ब्राह्मण प्रिंसिपल थे, धक्का मारकर बच्चा को निकालता। उस छोटे से मासूम पर क्या असर पड़ा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके पिताजी मन बनाते हैं बच्चा को पढ़ाना है तो अंग्रेजी के स्कूल में दाखिला मिलता है, लेकिन उस दाखिला में 5 शर्तें लगाई जाती है। पहला शर्त है बिछाने के लिए भीमराव अपने घर से टाट लाएगा, जो बैठने के लिए है टाट वह भीमराव अपने घर से लाएगा, जबकि बाकी बच्चों के लिए वहां व्यवस्था थी। दूसरा शर्त लगाया जाता है भीमराव दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट की दूरी पर रहेगा, 10 फुट की दूरी पर बैठे। तीसरा शर्त लगती है ब्लैक बोर्ड के निकट भीमराव नहीं आएगा। चौथा शर्त है वह मटकों से खुद अपने हाथ से पानी निकाल कर नहीं पिएगा। कोई स्वर्ण बालक मटका से पानी निकालेगा और वह चूल्हे से पानी पिएगा। अब 5वां शर्त जो लगाया वह था भीमराव बाकी बालकों के साथ नहीं खेलेगा, खेल में भाग ही नहीं। इस अब देखे उस छोटा सा बच्चा, उसके अभी उसको सोचने समझने की शक्ति भी विकसित नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ यह अत्याचार, यह छुआछूत वाला भाव अंदर डाल दिया जाता है। बच्चा को तो कहा जाता है कि भगवान का रूप होता, लेकिन उस भगवान के साथ लोगों ने क्या बर्ताव किया ये हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन वह बालक आज के दिन में सही में भगवान है। आज हम लोग भगवान के रूप में भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं। महार जाति के तालुकात रखते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि महार जाति से वो रखते हैं। महार जाति अछूत की श्रेणी में आता है। अब अछूत का दंश सही रहे थे, बच्चा बड़ा होकर अब मैट्रिक पास करता है। उसी परिस्थिति अब अछूत जब बच्चा जो पास किया तो वो तो बड़ा उस समय लोग मैट्रिक पास नहीं करते, टेंथ पास बहुत कम लोग किया करते थे। उसमें भी महार जाति से जो पास किया तो उसमें अछूतों ने एक सभा रखी, उसमें माननीय कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर हाई स्कूल के अध्यापक थे, समाज सेवक थे, उन्होंने उस सभा में सम्मान किया। सम्मान में भीमराव जी के सम्मान में ही वह सभा रखी गई थी। भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट, छोटी सी पतली संक्षिप्त जीवनी थी, उस किताब को भेंट वह बालक ने उस जीवनी को पढ़ा। बुद्ध के बारे में
उनके मन में श्रद्धा जगी। 4 अप्रैल 1906 को भीमराव जी का विवाह हो जाता। उस समय बाबा साहेब 15 की आयु थी उनकी, और जो रमाबाई थी वो 9 की। विवाह होता है, साथ रहने लगते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी रामजी राव रिटायर कर चुके थे, किसी तरह से कर्ज लेकर मेहनत करके भीमराव को पढ़ा रहे। भीमराव की रुचि थी संस्कृत पढ़ने की, वे पढ़ना चाहते थे संस्कृत, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। तब उन्होंने लाचारी में फारसी लिया, लेकिन संस्कृत का ज्ञान पाना उन्होंने नहीं छोड़ा। अपने प्रयत्न से वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता बने। उच्च शिक्षा के लिए आप मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। 1912 में आपने बीए किया। बड़ौदा के महाराजा सवाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए ₹25 मासिक, उस समय ₹25 बहुत होता था, मासिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी। जो अध्यापक थे इनके कैलेश्वर जी, उन्होंने बड़ा मेहनत किया और उन्हीं के सब प्रयास से यह छात्रवृत्ति भीमराव जी को मिला, और जिसके बल पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त किया। 2 फरवरी 1913 को जो पिता थे रामजी राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयास चलता है। बड़ौदा रियासत के महाराजा के स्कॉलरशिप से न्यूयॉर्क अमेरिका में पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वे दाखिला लेते हैं। यह जुलाई 1913 का समय। 1915 में वहां से वे एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं। उनका विषय रहता है पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। एमए में वहां डिजर्टेशन लिखा जाता था। डिजर्टेशन का यानी लघु शोध निबंध, लघु शोध प्रबंध, उसका विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। यह उनका विषय था, इसी पर उनको डिग्री मिलती है। जून 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। शोध प्रबंध का विषय उनका नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय लाभांश। इस पर उन्हें पीएचडी की डिग्री मिलती है। बाद में जो जिस पर डिग्री मिली थी वो प्रकाशित होता है कि ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास, इस शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित होती है, मार्केट में आता है। अब उस पुस्तक में, अब भारत गुलाम है ब्रिटिश शासन का, साम्राज्य, और उस पुस्तक में ब्रिटिश सरकार की धन लुप्तता नीति जो है उस पर प्रकाश डालते हैं, नौकरशाही की आलोचना करते हैं, जनता के शोषण को बतलाते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से जनता को बहुत सारी बातें पता चलती है, और अंग्रेज शासन को दिमाग खराब होता है। वो कभी भी एकदम बिल्कुल निडर थे, साहसी थे, कभी भी उन्होंने जो है डर कर काम नहीं किया।
अब देखिए, और उन्होंने उनके अंदर कृतज्ञता का भाव भी था, क्योंकि जो पढ़ने के लिए बाहर जो बड़ौदा रियासत के महाराजा ने भेजा था गायकवाड़ जी ने, उसके में पुस्तक के शुरू में ही आधार प्रदर्शन करते हैं कि मुझे विद्या प्राप्ति के लिए की गई सहायता के लिए आधार प्रदर्शन। ये महाराजा बड़ौदा सियाजी राव गायकवाड़ को समर्पित था। पुस्तक की प्रशंसा होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों ने शानदार पार्टी देता है, चूंकि बहुत अद्भुत वह डिग्री थी और उन्होंने प्राप्त किया था, बहुत पॉपुलर थे, बहुत तेज थे, तो इनके सम्मान में वह पार्टी रखी गई थी। जून 1916 में वे अमेरिका से लंदन जाते हैं कानून की पढ़ाई पढ़ने और अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ने। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेते हैं। अब देखें, जब बड़ौदा से जब कोलंबिया गए थे तो एक प्रतिज्ञा पत्र भरा गया था। उस प्रतिज्ञा पत्र पर यह लिखा गया था कि वापस लौटकर 10 वर्ष आप रियासत का सेवा करेंगे। अब वो आधा में ही छोड़कर वहां पूरा वो नहीं कर पाते हैं, वहां से अनुमति लेते हैं कि हम आगे जो है इसको जारी रखेंगे। और 21 अगस्त 1917 को मुंबई लौट आते हैं। मुंबई से बड़ौदा आकर मिलिट्री सेक्रेटरी सैन्य सचिव का वह पद उनको मिलता है। अब देखिए, अब वहां आ गए तो अब उनके रहने की व्यवस्था चाहिए। वहां पर बड़ौदा में कोई भी मकान उन्हें रहने के लिए नहीं मिलता। जाति पूछी जाती है, जाति पूछने के बाद उनको भगा दिया जाता है। एक पारसी का सराय था, धर्मशाला था, वहां पर जो गेट कीपर था उसने, चौकीदार था, उसने कहा कि पारसी का नाम रख लो और तुम आ जाओ। उन्होंने पारसी का नाम रख लिया और वहां रहने लगे। मुश्किल से 8-10 दिन हुआ होगा कि वहां पता चल जाता है, फिर पारसी लोग आते हैं और उनको निकाल बाहर कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से बड़ौदा रियासत से वो त्याग पत्र दे देते हैं, हट जाते हैं, अब रहने का ही नहीं व्यवस्था है। अब मुंबई के सीडन होम कॉलेज है मुंबई में, उस कॉलेज में नवंबर 1918 में 450 रुपए के मासिक वेतन पर वे प्रोफेसर का पद संभालते हैं। बहुत दिनों तक वहां भी नहीं रह पाते हैं। उनका उद्देश्य तो एक ही था, क्योंकि जो वो झेल रहे हैं, अब भी झेल रहे हैं, अमेरिका से लौट कर आ गए, लंदन से लौट कर आ गए, वहां उन्होंने स्वतंत्रता देखा, वहां उन्होंने समानता देखी, और यहाँ पर असमानता की स्थिति देख रहे हैं। चपरासियों से साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, फाइल ला नहीं रहा है, फाइल लाने के लिए वो एक डंडा का सहारा लेता है, पानी नहीं पिला रहा है। अब इस तरह का भेदभाव, जबकि वो एक चपरासी है, ये एक डॉक्टर पीएचडी बैरिस्टर एट लॉ है, इतना हमें तो लगता है कि एग्जिस्टिंग टाइम में, तात्कालिक समय में डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई भी राजनेता इतना पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता रहा। खैर, इन्होंने लक्ष्य रखा था कि अपने जो समूह है, अपना जो समाज है, जो दलित समाज है,
जो शोषित समाज है उसे मैं समानता के स्तर पर लाऊंगा, प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने प्रकाशन का काम सोचा, प्रकाशन कुछ किया जाए, लोगों के बीच में जागरूकता आए। तो मूक नायक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। 31 जनवरी 1920 में पाक्षिक था, 15-15 दिनों का था, समाचार पत्र मूक नायक, मूक मने जानते हैं गूंगा, नायक मने नेता, यानी गूंगों का नेता, मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। उसने पत्रिका के प्रथम अंक में ही लिखा कि भारत, मैं कोट करके बताता हूं, भारत असमानता का घर है, भारत असमानता का घर है और हिंदू समाज एक बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल में जन्मा है वह उसी मंजिल में मरेगा। इन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अन्य आगे के लेख में वो लिखते हैं, भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं, अपितु भारत एक ऐसा श्रेष्ठ राष्ट्र बने, पक्के राष्ट्रवादी थे, एक ऐसे राष्ट्र बने जिसमें सभी को धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक मामलों में समान अधिकारों की गारंटी हो, जिसमें सभी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्नत करने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। कई कोट हैं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, एक कोट और करके मैं खत्म करूंगा। जिस स्वराज में दलितों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा, क्योंकि गुलाम तो वह सदियों से रह रहे हैं। तो केवल ये जो अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि हमको दासता से मुक्ति चाहिए, वही कहे वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा अपितु या उनके लिए एक नई गुलामी होगी। उन्होंने सोचा कि फिर ये तो अंग्रेजों का शासन था, तो वह पढ़ लिख गए, अगर अंग्रेजों का शासन नहीं रहता तो हो सकता था कि बाबा साहब भीमराव आगे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता। मार्च 1920 में अछूतों का एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोल्हापुर रियासत के आन गांव में अध्यक्षता माननीय साहू जी महाराज करते हैं, उस सभा में भी आते हैं और उनका संबोधन देखें, उनका आशीर्वचन सुने। साहू जी महाराज कहते हैं, आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्तिदाता अब मिल गया है, मुझे विश्वास है कि ये आपकी दास्ता की बेरियों को काट गिराएंगे। यही मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा नेता बनेंगे जिनकी ख्याति पूरे भारत में होगी और जिसकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति मानेगा। यह साहू जी महाराज कर क्रमबद्ध ढंग से मैं चल रहा हूं। 1923 में प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, रुपए की समस्या की डिग्री आप लंदन से लेते हैं। 1923 में ही वापस मुंबई लौटते हैं, उनके हाथ में अब
एमए की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, एमएससी की डिग्री है, डीएससी की डिग्री है, बार इतला है, नौ नौ भाषाओं के वे ज्ञाता है। इतने प्रकांड विद्वान, इतने प्रखर वक्ता, लेकिन वो अपना संकल्प अगर वो चाहते तो लंदन में बस सकते थे, वो चाहते अमेरिका में बस सकते थे और बहुत खुशहाल जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के उत्थान के लिए, मजदूरों के कष्टों को दूर करने के लिए, नेता केवी महेश अरिवार ने बताया जो हिंदू बार को बोला, महिलाओं के जो दुर्गति थी उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने अमेरिका या लंदन में नहीं बसा, वापस भारत आए, वापस मुंबई आए, 1924 में समाज सुधारक के रूप में वह प्रकट हुए और 20 जुलाई 1924 को बंबई में, आज तो मुंबई नाम हो गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। 1924 में समता सैनिक दल की भी स्थापना करते हैं ताकि दलितों में चेतना उत्पन्न हो सके, समानता का भाव उसके अंदर जग सके, उत्साह जग सके। अब तक तो वो अंधकार में, अविद्या में भटक रहे थे, अंधकार में ही थे, उसको रोशनी देने का काम समता सैनिक दल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने, अंबेडकर जी ने आरंभ किया। 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधान परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर किया, अंग्रेज ने इनको विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको मेंबर बनाया। महार क्रांति 19-20 मार्च 1927 को महार के चौदार तालाब से पानी पीकर न केवल अपने पिया पुलिस निकाल कर जाते हैं और उस तालाब से वे पानी पीते हैं, महार क्रांति शुरू हुआ। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में महार नगर में मनु स्मृति को जलाते हैं, इसकी चर्चा भी हमारे पूर्व वक्ता अहिरवार जी ने कर दी। उनका मानना था, मानना क्या है ही, मनु स्मृति ब्राह्मणी धर्म का संविधान है, वहां ब्राह्मण के लिए अलग नियम है, क्षत्रिय के लिए अलग नियम है, वैश्य के लिए अलग नियम है, शूद्र के लिए अलग नियम है, अछूतों के लिए अलग नियम है। तो शूद्र अछूत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छुआछूत ही उसमें भरा पड़ा है, तो इसके विरोध में यानी समानता लाने का क्रांति के रूप में उन्होंने उस मनु स्मृति को जलाया। वो प्रतीकात्मक था, जैसा कि अहिरवार जी ने बतलाया, उनके बातों से मैं सहमत भी। 1928-29 में 7 सदस्यीय अंग्रेजों का एक दल भारत पहुंचता है जिसके अध्यक्ष साइमन है, इसलिए उसे साइमन कमीशन कहा जाता है। वो प्रशासनिक सुधार जो भारत में जो अंग्रेज राज था, ब्रिटिश राज था, उसके अंदर प्रशासनिक सुधार के लिए उनको भेजा गया था कि क्या किया जाए कि प्रशासनिक सुधार हो।
अब स्मरण पत्र पेश करते हैं इन्होंने, बाबा साहब आए, सभी लोगों से मिलते हैं, तो बाबा साहब ने अपना स्मरण पत्र पेश करते हैं। उसमें यह जिक्र होता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, जैसा अंग्रेजी क्रिश्चियन के लिए था, सिखों के लिए भी अलग था, मुसलमानों के लिए था, तो वह कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, यानी दलित ही वोटर हो और दलित ही कैंडिडेट हो। दूसरा, प्रत्येक वयस्क को, प्रत्येक एडल्ट को वोट डालने का अधिकार हो। तीसरा, बंबई विधानसभा की 180 में से 22 सीट अछूत वर्ग के लिए आरक्षित हो। आरक्षण के बाद वहीं पर सबसे पहले उन्होंने कहा हमें आरक्षण मिलना चाहिए। यहीं चुप नहीं हुए, उसके आगे वे कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल बने उसी उस मंत्रिमंडल में भी अछूत अनिवार्य रूप से शामिल हो, उसको मंत्री बनाया जाए। यह स्मरण पत्र रहा। अब देखिए किस तरह से धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारत अभी गुलाम है, लेकिन जैसे जैसे सुधार की बात आ रही है, प्रशासनिक सुधार के लिए आया था साहिब, तो उसने कहा प्रशासनिक सुधार में इन बातों को ध्यान रखा जाए और इन बातों को सम्मिलित किया जाए। आगे गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930 को लंदन में, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है 30, 31, 32। और भीमराव अम्बेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी के लोग कहते हैं केवल एक में, दूसरा में वो सम्मिलित हुए थे, क्योंकि अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था, इसलिए किसी भी अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जो ब्रिटिश सरकार के थे कुछ लोग, कुछ भारत के लोग थे, भारतीय थे, 89 रिप्रेजेंटेटिव थे। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, वहां वे सी गर्जना करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रिटेन से पहले प्रश्न उठाते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि ब्रिटिश भारत ने हमको क्या दिया। वे कहते हैं ब्रिटिश सरकार आने से पहले कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार दिया? तो प्रश्न करते हैं, पहले तो हमें नहीं था, लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार जो आई है वो ये कह रही है, हमें प्रशासनिक सुधार के लिए आए हैं, वे कह रही है कि हम यहाँ पर भारत को शिक्षित करने आए हैं, भारत को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, तो ये प्रश्न करते हैं पहले कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था अछूतों को, क्या आपके राज में दिया जा रहा है? फिर आगे कहते हैं ब्रिटिश शासन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं करते थे, क्या आज प्रवेश कर रहे हैं? आगे कहते हैं ब्रिटेन से पहले, क्या ब्रिटिश सरकार के पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या आप हमें यह अनुमति दे रहे हैं? आगे वे कहते हैं इस तरह की कई बातें वे रखते हैं असभी में, जवाब तो जान रहे हैं नहीं होता है।
तो ये मांग करते हैं, ये तो प्रश्न क्या, ये मांग करते हैं कि हमें यानी दलितों को, शोषितों को दूसरे नागरिकों की तरह समान नागरिक अधिकार दिया जाए। आगे कहते हैं, कानून में किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच न किया जाए, पूर्ण रूप से उसे असमानता को समाप्त किया जाए। आगे कहते हैं, दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि, अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो, जिसे कहते हैं पृथक निर्वाचन। और आगे कहते हैं, सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए, अन्य सरकारी नौकरियों से दिया जाए। 1931 में, ये तो 30 की बात है, 1931 में दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, गांधी जी शामिल होते हैं, लेकिन गांधी जी का वहीं से विरोध हो जाता है अंबेडकर जी से। अंबेडकर जी पृथक निर्वाचन का बात करते हैं, गांधी जी उसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब अंबेडकर जी और गांधी जी में वहीं से मतभेद होता है। आगे देखते हैं, दलितों के लिए वे हरजन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे कड़ी शब्दों में बाबा साहेब विरोध करते हैं, क्योंकि उसके एक और लाइन लगा रहा है, एक और शब्द कर रहा है, हरजन शब्द बना करके जो है एक मुंह पर तमाचा मार रहा है। 24 सितंबर 1932 येरवदा जेल में गांधी अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, उस समय वह येरवदा जेल में रहते हैं। आमरण स्थिति बहुत खराब हो जाती है, चारों तरफ से बाबा साहेब पर दबाव आता है, बाबा साहेब तैयार हो जाते हैं और गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाला जो इनको अधिकार था, अब उन्हें वो छोड़ना पड़ा, मान जाते हैं बाबा साहब, लेकिन अपने समाज को के लिए उसको तो छोड़ा, लेकिन उसके बदले में उन्होंने प्राप्त करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, कम्युनल अवार्ड में जो उनको 78 आरक्षित सीटें मिली थी, लेकिन अब वो सीटें उनको 148, उन्होंने कहा 148 हमें चाहिए और 148 देना पड़ा, यानी उन्होंने 78 सीट के बदले 148 सीट दिया, बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती सुनिश्चित करने का उन्होंने अधिकार मांगा। और यहीं से आरक्षण का जनक कहें, आरक्षण यहीं से आरंभ होता है और वहां पर उन्होंने नींव डाल दी। एक दुखद घटना घटती है 27 मई 1935 को, पत्नी रामाबाई का निधन हो जाता है। उसके पहले भी उनके 3 पुत्र और 1 बेटी का देहांत हो चुका है, क्योंकि वो बहुत पढ़ने वाले दिन रात समाज के लिए लगे रहे। पत्नी के बाद ये बाल मुड़ाकर फकीर की तरह इधर उधर भागते रहे, तो उस दशा को देखकर उनके अनुयायियों ने उन्हें बाबा साहब का नाम दिया। तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो गए।
13 अक्टूबर 1935 में येवला कॉन्फ्रेंस में वे घोषणा करते हैं, वे परेशान हो चुके हैं छुआछूत से, ऊंच नीच से, असमानता की भावना से, दुर्भावना से वे परेशान हो जाते हैं। और 1935 के 13 अक्टूबर को घोषणा करते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा अवश्य हुआ या मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा ये मेरे बस की बात है, मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह संदेश था कि मैं हिंदू धर्म का अब त्याग करूंगा। अब कई धर्म के लोग, ईसाई इनके तरफ पीछे पड़ने लगे, मुसलमान बन करने लगे, यानी उस समय की बात है। निजाम जो था, निजाम ने इनको वहां मुसलमान धर्म का 6 करोड़ रुपया ऑफर कर रहा था उस समय डॉक्टर अंबेडकर को, का आप जो है मुसलमान बन जाइए। आज से समझ जाइए आपको 1935 की बात है, लगभग 90 साल बस पहले की बात है, उस समय 6 करोड़ की कीमत क्या रही होगी, लेकिन बाबा साहब उसे ठुकरा देते हैं। बाबा साहब पक्के भारतीय थे, पक्के राष्ट्रवाद थे, इसलिए भारतीय संस्कृति से जो धर्म निकला बुद्ध धर्म, उसको वो स्वीकार करते हैं, वो बाद में चलेंगे। 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, पहले बता चुके हैं कि ये पढ़ने में जो है बहुत पढ़ते थे, 18-18 घंटा तक पढ़ते थे, लिखते थे। एशिया का सबसे बड़ा इनके पास निजी पुस्तकालय था, 50,000 इनकी लाइब्रेरी में पुस्तकें थी। 1946 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, उस सोसाइटी के तहत ही मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में मिलिंद यूनिवर्सिटी आदि है। 30 अगस्त 1947 संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसके 7 सदस्य थे, लेकिन बाकी जो 6 सदस्य थे हम नहीं उसके अंदर जाना चाहेंगे, उनसे मतलब भी नहीं है, कहे निकम्मा थे तो कहने में कोई शक्ति नहीं होगी, किसी 6 लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, अकेले बाबा साहेब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के हैं, सब कुछ वही, अकेले अपने दम पर उन्होंने संविधान को बनाया। पंडित नेहरू ने कोट किया कि डॉक्टर जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, मुख्य के बदले उनको अकेला शिल्पकार कह देते तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। वहां उन्होंने जो संविधान बना, वोट डालने का अधिकार मिला, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिला, सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई, शेड्यूल कास्ट कमीशन की व्यवस्था की गई, भारत के प्रथम कानून मंत्री अब बनाए जाते हैं, लेकिन 1951 में ये इस्तीफा दे देते, चाहते तो रह सकते थे। कश्मीर समस्या को लेकर जो 370 आप देखते अभी हटाए, कोई पक्के राष्ट्रवादी थे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। हिंदी कोड बिल उस समय तो पास नहीं हुआ, लेकिन आगे जो है आगामी लोकसभा में हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए बड़ी राहत मिला। 14 अक्टूबर 1956
को नागपुर में 5 लाख पहले तो खुद बुद्ध धर्म की शरण में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, फिर 15 अक्टूबर 1956 को स्वयं 5 लाख लोगों को दीक्षा देते, 22 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं क्या है मैं जरा पढ़कर सुनाता हूं, ये सभी को जानना जरूरी है कि वे 22 प्रतिज्ञाएं जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी लोग को दिलवाया था वह ये है। पहला है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा। चौथा है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। पांचवी प्रतिज्ञा है, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न कभी पिंड दान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं नशा नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है, मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। नौवीं प्रतिज्ञा है, मैं यह मानता हूं कि सभी मनुष्य एक समान है। दसवीं प्रतिज्ञा है, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। ग्यारहवीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। बारहवीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तेरहवीं प्रतिज्ञा है, मैं प्राणी मात्र पर ध्यान रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। चौदहवीं प्रतिज्ञा है, मैं चोरी नहीं करूंगा। पंद्रहवीं प्रतिज्ञा है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। सत्रहवीं है, मैं शराब नहीं पीऊंगा। और अठारहवीं है, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। उन्नीसवीं है, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। बीसवीं प्रतिज्ञा है, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। ग्यारहवीं प्रतिज्ञा है, मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। और 22वीं प्रतिज्ञा है, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी और ये बड़ा दुर्भाग्य और हम लोगों के लिए बड़ा अफसोस की बात है कि बाबा साहब बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बहुत दिन नहीं रह सके और उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण ले लिया दिल्ली में 26 अली के जोर में। अब इतने कम अगर हो सक अब उनकी मौत भी अब जानते हैं वह भी विवादास्पद है। अगर बाबा साहब 5 साल और अगर रुक जाए रहते तो ये भारतवर्ष पूरा विधमय हो गया रहता, धम्मय हो गया रहता, संगमय हो गया रहता। यहाँ पर सबका समानता की भावना जगती, सब में मैत्री का भाव जगता, करुणा का भाव रहता, मुदिता का भाव जगता, सबका कल्याण होता, सबका मंगल होता। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु 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 साधु, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट,
एक्सीलेंट प्रोफेसर बहुत अच्छा रमेश प्रसाद जी है। बाबा साहब का जीवन 1891 से लेकर 1956 तक लगभग 65 वर्षों का क्रमिक उनका जीवनी और उनके साथ साथ उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला है। समय थोड़ा अधिक लिया है लेकिन उन्होंने इतने 65 वर्षों का कार्य 65 वर्षों का उनका जीवन और कृतित्व पर संक्षेप में ही प्रकाश डाला है। तो बहुत बहुत आपके प्रति आभार, धन्यवाद, साधुवाद सर।